इरादा कर लिया था कि अगर मैंने शायरी करनी है तो दूसरों से डिफरेंट करनी है। अल्लाह का शुक्र है, एक साहब ने कहा था आफ्ताब साहब के जिक्र पर कि ये बोर्ड के नीचे बोर्ड हो गया है, आफ्ताब ने तो बहुत मार खाई। अच्छा, गायकी की बजाय किताब के ज़रिए लोगों के सामने आना चाहता था। जो चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा आम हो जाए उसकी कदर घट जाती है। बिल्कुल सर। अगर आदमी शायर है तो मोहब्बत भी करेगा, मोहब्बत अगर करता है तो वो शायरी भी करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट रिदा आगा और आप देख रहे हैं मेगा सक्सेस पाकिस्तान। नाज़रीन, पर्सनली तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं क्योंकि आज जिनका मैं इंटरव्यू करने जा रही हूं वो मेरे हमेशा से बहुत ही फेवरेट रहे हैं, मौसूफ़ किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए आइए सीधा उन्हीं की तरफ चलते हैं और उनसे ढेर सारी बातें करेंगे। तो जनाब ज़फ़र इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं, अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कोई बात नहीं, कोई बात वक्त दिया। मैं बड़ी देर से सर इस इंतज़ार में थी कि मेरी आपसे मुलाकात हो और मैं आपसे कुछ बातचीत करूं। जैसे सर मैंने सबको बताया कि मैं ज़फ़र इकबाल साहब के पास जा रही हूं, तो सर ऐसे सवालों की भरमार मेरे पास आ गई कि आप ज़फ़र साहब से ये भी ज़रूर पूछिएगा, ये भी ज़रूर पूछिएगा। सर अल्लाह ताला ने इतना नाम, इतना मुकाम, इतनी प्यार, इतने लोगों की मोहब्बत, कैसा लगता है सर? अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। सर आपने उकाड़ा में रहकर अपना एक इतना नाम पैदा किया, मुनफरिद अंदाज शायरी के आप मालिक रहे हैं, जो आपका अंदाज रहा सर वो किसी भी और शायर का अंदाज नहीं रहा, सर इसकी कोई ख़ास वजह? नहीं, मैंने शुरू से ही इरादा कर लिया था कि अगर मैंने शायरी करनी है तो दूसरों से डिफरेंट करनी है, दूसरों जैसी शायरी मैंने नहीं करनी, वरना नहीं करूँगा। सर इतने बड़े बड़े शायर पैदा हुए, जॉन एलिया साहब और भी बहुत से दीगर शायर थे, लेकिन सर इन सब में आपका पसंदीदा शायर कौन था? ये मैं नहीं कह सकता, ना ही मुझे कहना चाहिए, सारे मेरे पसंदीदा हैं। जिस एक उसको नहीं कहूँगा वो कहेगा जी लो जी मेरे साथ ज्यादती की है, सारे ठीक है। सर मौजूदा दौर में शायरी की तरफ जो लोगों का रुझान पुराने वक्तों में था अब वो नहीं रहा, लोग इस चीज़ के स्पेशली सर जो यूथ है वो शायरी को शायद समझने से कासिर है या उनमें वो ज़ौक पैदा नहीं हो पाया, इसका ज़िम्मेदार सर आप किसको ठहराते हैं? इसके ज़िम्मेदार हम खुद ही हैं, सोसाइटी है, कमर्शियल हो गए हम, मुशायरे वगैरह कम हो गए हैं, तो लोग शायरी में दिलचस्पी नहीं रखते, तो ये टीवी वगैरह ने, मोबाइल ने ये भी काम ख़राब किया, काफ़ी लोग इधर बिजी हो गए हैं तो काम नहीं निकाल सकते शायरी के लिए, लिटरेचर के लिए। सर पुराने वक्तों में शायरों को बहुत इज्जत दी जाती थी, उनका एक मुकाम था, लोग उन्हें एज ए गेस्ट बुलाया करते थे, लेकिन सर अब वो चीज़ नहीं रही है या हम अपने बच्चों में वो ज़ौक पैदा नहीं कर पा रहे हैं? वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि कमर्शियल हो गए हम, और ये लहर इस तरह की आई है कि बहुत सी चीज़ों की अहमियत कम हो गई है और कुछ गैर ज़रूरी चीज़ों की अहमियत ज़्यादा हो गई है, इस तरह करके बड़ा फ़र्क पड़ा है। सर आपने माशाल्लाह अपना शायरी में एक मुनफरिद मकाम पैदा किया है। सर बहुत मुश्किल होता है कि माँ बाप की रिवायत को लेकर बच्चे आगे चलें, लेकिन अल्लाह ताला ने सर आपकी औलाद को भी उसी तरह से बिल्कुल ब्लेस्ड किया है। सर किस कदर खुशी होती है आफ्ताब साहब को देख के, जुनेद साहब को देख के? अल्लाह का शुक्र है, एक साहब ने कहा था आफ्ताब साहब के जिक्र पर कि ये बोर्ड के नीचे बोर्ड हो गया है, हालांकि बोर्ड ऐसा रखते उसके नीचे घास भी नहीं उगती। बिल्कुल, तो उसने कहा कि ये बोर्ड के नीचे बोर्ड हो गया है आफ्ताब जो है। तो सर आफ्ताब साहब को देख के किस कदर खुशी होती है? अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ, बच्चों को देख देख कर जीता हूँ मैं, बच्चों का आशिक हूँ अपना, ये मेरी कमजोरी है। बच्चे आपकी कमजोरी है, यानी कि सर बच्चों के साथ बिल्कुल दोस्ताना माहौल, बहुत ज्यादा, बहुत बेतकल्फी। सर एज अ फादर जब बच्चे छोटे थे तो आफ्ताब साहब और जुनेद साहब बाकी बच्चे हैं सर, उनके साथ क्या आप एक स्ट्रिक्ट फादर थे या बिल्कुल दोस्तों की तरह रहे या अब आगे? नहीं, मैं शुरू से ही दोस्तों की तरह रहा, कभी सख्ती नहीं की बच्चों पर, बिल्कुल भी, जरूरत पड़ी तो करता भी रहा, इनको फटी शेंटी भी लगाता रहा। आफ्ताब ने तो बहुत मार खाई। अच्छा, माशाल्लाह। लेकिन सर आप बच्चों की कारकर्दगी से खुश हैं? हाँ, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा शुक्र। जैसे अब आपको संभाल रहे हैं, आपके साथ रहे हैं, प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, बिल्कुल खुश हैं आप? जी बिल्कुल, माशाल्लाह। सर मौसीकी और शायरी का बिल्कुल चोली दामन का साथ रहा है। सर पहले वक्तों के जो शायर थे वो इजाज़त दे देते थे गायकों को अपनी गज़लें गाने के लिए, लेकिन सर आपने ऐसा नहीं किया, इसकी कोई ख़ास वजह? इसकी वजह एक तो ये है कि मैं गायकी की बजाय किताब के ज़रिए लोगों के सामने आना चाहता था, जैसे कि मैंने किताब के साथ लोगों से इंटरेक्शन बनाए रखना चाहते थे, जैसे कि मैंने किया।
तो बाकी जो कुछ इब्रार अहमद हैं बड़े अच्छे शायर नज़म के, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये अहमद फराज, मुनीर नियाज़ी, नासिर काज़मी, फैज़ अहमद फैज़, ये सारे गायकी के ज़रिए हमारे सामने आए। ऐसा ही ज़फ़र इकबाल वाहिद शायर है जो किताब के ज़रिए आया। बिल्कुल सर, सर इंडिया में अभी भी सिर्फ शायर आप ही को माना जाता है। जी जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, यहाँ मेरे इतने करने वाले नहीं है जितने वहाँ हैं। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। सर मुझे ये बताइएगा, इंसान सीखता तो सारी ज़िंदगी रहता है, सीखने का अमल तो कभी ख़त्म होता ही नहीं है। तो सर ज़िंदगी में कोई ऐसी ख्वाहिश जिसका आपको इंतज़ार हो कि नहीं ये अभी पूरी होनी चाहिए और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा वेट में हैं कि बस ये भी होना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात, अल्लाह ने हर चीज़ से, हर चीज़ अल्लाह ने ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर ज़रूरत और तवक्कुआत से ज़्यादा अल्लाह ताला ने दिया है माशाल्लाह। अच्छा सर, अब दौर आ गया है सोशल मीडिया का, पहले ये चीज़ें नहीं थी, पहले बहुत ज़्यादा तरद्दत करना पड़ता था अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए, लेकिन अब सोशल मीडिया ने इस चीज़ को बेहद आसान कर रखती है। लेकिन सर जहाँ इसके फ़ायदे हैं वहाँ पे बहुत सारे नुकसान, जो चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा आम हो जाए उसकी कदर घट जाती है। बिल्कुल सर, तो सर पहले के दौर में बच्चे जो थे वालदैन को वक्त दिया करते थे, एक रोब रहता था घर में, बच्चे में एक डर होता था कि मुझे ये चीज़ करनी है नहीं करनी, लेकिन सर जैसे जैसे सहूलियात की ज़्यादती होती गई अब वो इतना एक, एक आप मोबाइल को ही ले लें, इसी ने सारा काम ख़राब कर दिया, बच्चे टाइम ही नहीं देते किसी को, अपनी लाइफ बना रहे हैं उसी पर लगे रहते हैं, गेमें खेलते रहते हैं, ड्रामे चीज़ें देखते रहते हैं। लेकिन सर पहले वक्त की ज़िंदगी और अब के वक्त की ज़िंदगी का मुआवजा अगर किया जाए तो बेहतर आपकी नज़र में कौन सी ज़िंदगी थी, पहले वक्त की या अब की? नहीं, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ज़िंदगी हर वक्त की, हर ज़माने की बेहतर होती है, अल्लाह ताला ने निज़ाम ही ऐसा बनाया हुआ है। अगर किसी ज़माने में कोई चीज़ें कम हो जाएँ तो कुछ ऐसी भी होती हैं जिनमें इजाफा हो जाता है। बिल्कुल सर, तो वो कंपैरिजन, वो एक एक कायम रहता है तनासुब जो है। सर आपकी नज़र में मोहब्बत की क्या अहमियत है? मोहब्बत की मेरे नज़दीक तो इतनी अहमियत है कि मैं समझता हूँ कि शायरी मोहब्बत के बगैर नहीं हो सकती। यानी कि सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब मोहब्बत होगी तब ही शायरी होगी। हाँ, यस। यानी कि सर ये बात लाजिम है कि शायर बनने के लिए मोहब्बत करना ज़रूरी है? नहीं, शायर बनने के लिए नहीं, अगर आदमी शायर है तो मोहब्बत भी करेगा, मोहब्बत अगर करता है तो वो शायरी भी करेगा। सर आपको पहली और आखिरी मोहब्बत कब? ये मुझे तो नहीं याद करती। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि आज के दौर में जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, ज़्यादातर देखा जाए तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा लापरवाह हैं बच्चों की ज़िंदगी से, या शायद बच्चे मुनासिब नहीं समझते कि बच्चों की ज़िंदगी में मदाखलत की जाए। सर इस हवाले से आप हमारे जो देखने वाले उनको क्या पैगाम देते हैं? वो ये है कि अपने अपने मकाम पर रहना चाहिए, बच्चों को अपने मकाम पर और वालदैन को अपने मकाम पर, और एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, एक दूसरे का हुकूक़ का ख्याल रखना चाहिए, इसी से ही गाड़ी चलेगी सारी। सर अब तो दौर नफसा नफसी का आ गया है ना। हाँ। हर किसी को अपना पड़ा है कि अपना देखें, अपने बारे में, दूसरों का एहसास जो है वो तो कहीं खो के रह गया है ना। तो सर ये देख के कभी कभी दिल कुड़ता है कि हमारे वक्त में ये चीज़ नहीं, वैल्यूज़ इतना गड़बड़ हो गई है कि बस उसका परेशानी होती है कि 50 साल पहले का सोचें तो उस वक्त तो ये चीज़ें नहीं होती थी, माहौल भी नहीं था, माहौल भी नहीं, सहूलियात की इतनी फराहमी नहीं थी ना सर। जैसे जैसे सहूलियात बढ़ती गई हैं लोगों में दूरियां आती चली, दूरियां आती गई हैं, परेशानियां आती गई हैं, अफरत तफरी आती गई है। सर तनकीद की इंसान की ज़िंदगी में कितनी अहमियत है? तनकीद तो होनी चाहिए और इंसान की बेहतरी के लिए, उसके लिटरेचर की बेहतरी के लिए तनकीद तो बहुत ज़रूरी है। तो सर तनकीद को कुछ लोग होते हैं ना तनकीद पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, ऐसे क्यों वैसे क्यों, जबकि आप कहना चाह रहे हैं कि तनकीद को इंसान थोड़ा बहुत सीरियस भी ले, अपनी गलतियों को देखे। बल्कि मैं समझता हूँ कि शायरों को तनकीद खुद लिखनी चाहिए, और जहाँ तक रिएक्ट करने का सवाल है तो वो भी रिएक्ट करने का वाले का हक है, इसलिए कि जो कुछ आप कह रहे हैं तनकीद कर रहे हैं वो भी यानी एक किस्म का रिएक्ट ही कर रहे हैं ना, उसके जवाब में अगर रिएक्शन आता है तो ठीक है, कुदरती बात है। यानी कि सर उसको समझना चाहिए, हाँ, देखना चाहिए और अपनी इस्लाह बखूबी कर लेनी चाहिए, बखूबी कर लेनी चाहिए। अच्छा सर आप हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे, हमारे बच्चों को जो शायरी की तरफ आ रहे हैं या जो आना चाहते हैं, उन्हें इस हिसाब से सर आप क्या टिप्स देना चाहेंगे?
मैं शायरी के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि शायरी की तरफ आना जो है ना, ये एक अजीब सा सवाल है। क्योंकि अगर आदमी जिस माहौल में रहता है, अगर उस माहौल में रहते हुए आदमी के जिस्म में, दिमाग में कोई जरासीम शायरी के पैदा हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज ये अपने तौर पर ये इख्तियारी मज़मून नहीं है, अता है। अता है अल्लाह ताला। सर, आपने बचपन में ही सोच लिया था कि आप शायरी की तरफ ही जाएंगे, या आपका कुछ अल्लाह की तरफ से रुझान था इस चीज़ की? नहीं, मैं जब कच्ची जमात में था ना, जी जी, तो मेरे एक उस्ताद थे नूर आदम अंजम कुरैशी, वो शायर भी थे, तो वो तख्ती पर पूर्णे बना देते थे पेंसिल से, अलफ बे ते थे सगर, हम फिर कलम से उस पर लिखते थे, फिर उन्होंने लफ्ज़ लिखने शुरू किए, फिर उन्होंने जुमले, फिर उन्होंने शेर लिखने शुरू किए, तो हम जो कुछ लिखते थे उसको पढ़ते भी थे, शेर जो है वो हम पढ़ते थे, और पढ़ते पढ़ते मेरी तबीयत मौजूद हो गई इसकी तरफ, आपका ध्यान चला गया। हाँ, चला गया, ये थी इसकी। और फिर सर, इस तरह ये सफर का आगाज हो गया। सर, आप आज की जो सियासत है उस पर क्या कहना चाहेंगे? उस पर कुछ नहीं कहलाना चाहिए मुझे तो। सर, आपने भी सियासत में बखूबी हिस्सा लिया है। सर, शायरी और सियासत बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, अगर एक नॉर्थ है तो दूसरी साउथ है, तो सर इस तरफ कैसे आपका ध्यान आ गया? नहीं, शायरी, मैं वकील भी था ना। जी जी सर, बिल्कुल। तो इस हवाले से मैं पॉलिटिक्स में चला गया, शायरी एक तरफ रख दी, वो अपनी जगह पर होती रही, कलम नवीसी अपनी जगह पर होती रही, सियासत और वकालत अपनी जगह। सर, लोग आपको अभी भी देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं आपकी लिखी हुई तहरीरों को, तो सर अब आप कॉलम क्यों नहीं लगते हैं? नहीं, कॉलम तो मेरा डेली छपता है दुनिया पर। हाँ, डेली कॉलम छपता है मेरा। सर, आपके नज़दीक, मतलब सर, आपकी प्रेजेंस टीवी चैनल्स पर बहुत ज़्यादा कम रही है, आप कैमरा शाही नहीं? नहीं, बिल्कुल कैमरा शाही नहीं हूँ, इसलिए कि मैं अब घर से निकलता ही बहुत कम हूँ, आफ्ताब मुझे निकलने ही नहीं देते। अच्छा, एक तो कोरोना की वजह से, और वैसे भी कहते हैं कि आप अब आराम करें, और आपकी हिफाजत का एक तरीका ये भी है कि आपको बाहर ना निकलने दिया जाए, कहीं खुदा न खास्ता आप गिर जाएं, कोई मसला पैदा हो जाए तो। नहीं सर, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, अपने बच्चों के सर पे सलामत रखे। सर, आपने जो काम डिलीवर किया है शायरी के लिए, वो तो बिल्कुल ही, उसका तो सर किसी को तारुफ की ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। अच्छा सर, और मुझे ये बताइएगा, एक बड़ा एक क्वेश्चन था मेरे दिल में और अपने तौर पे भी, कि मैं आपसे ये ज़रूर सवाल करूं। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि आजकल के जो बच्चे हैं उनमें जो है सब्र नाम की चीज़ नहीं है। मैं अपनी भी बात बीच में कर रही हूं कि बहुत ज़रा से किसी ने कुछ समझाने या बताने की कोशिश कर दी तो नहीं कि भाई हम अपने तौर पर ही अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझ बैठते हैं। दरअसल ये ट्रेनिंग का मसला है, हमारे बच्चों की ट्रेनिंग मुख्तलिफ तरीके से हुई थी, इन मौजूदा बच्चों की ट्रेनिंग जो है मुख्तलिफ तरीके से हो रही है। तो सर, उनका आपस में माँ बाप का और बच्चों का रिश्ता जो है उसकी नौीयत बदल गई है, उसमें सहूलतें के बजाय मुश्किलात पैदा हो गई हैं, इसकी वजह से ये सारी गड़बड़ पैदा हुई है। अच्छा सर, आप हमारे चैनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक तो सर, मैं एक बार फिर आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें वक्त दिया, अपना कीमती वक्त दिया। सर, कुछ चैनल के बारे में कह दीजिए। एक आपका चैनल, अल्लाह ताला इसको इसमें बरकत डाले, आमीन सर, आमीन, इसमें तरक्की दे इसको, आमीन सर, बहुत अच्छा काम कर रहा है ये, तो बहुत खुशी है मुझे इस बात की। बहुत शुक्रिया सर जी। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। ज़फ़र इकबाल साहब ने हमें अपना कीमती वक्त दिया, मैं उनकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। आपसे मुलाकात होगी एक अगले प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ, तब तक देखते रहिए मेगा सक्सेस पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।